और फसलों की पहचान में, जिस दौर में बच्चे हैं जीरो, नई पीढ़ी को जगाने निकला ऑर्गेनिक फार्मिंग का जूनियर हीरो कृषि दर्पण। हर इंसान के भोजन का आधार खेती आज केमिकल फर्टिलाइजर के अंधाधुंध इस्तेमाल से बेकार होती जा रही है। इसके साथ ही लोगों को खाने में मीठा जहर भी मिल रहा है। लेकिन इस मुश्किल दौर में इसका क्या समाधान हो, इस बारे में क्या आपने कभी सोचा है? आप भले ही इन सब बातों को समझने में देर कर रहे हो, लेकिन एक 17 साल के युवा ने इन खतरों को समझकर एक ऐसी अनोखी पहल की जिसे हम सभी को अपनाने की जरूरत है। आइए देखते हैं इस खास पहल की ये रिपोर्ट। आज के दौर में जिस तरह से लोगों के रहन सहन में बदलाव आया है, उनकी सोच बदली है, इसके पीछे आज की एजुकेशन पॉलिसी भी कम जिम्मेदार नहीं है। एक पीढ़ी ऐसी तैयार हो चुकी है जिसका गांव, खेत खलिहान और यहां तक कि फसलों की पहचान तक से वास्ता नहीं रह गया है। आज ऐसी पीढ़ी अपने बच्चों को भला इन सब के बारे में कैसे बता पाएगी? बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक में हालत ये है कि बच्चे ना खेती के बारे में जानते हैं, ना ही उन्हें फसलों की पहचान रह गई है। यहाँ तक कि अब तो किसान भी अपने बच्चों को बड़े पदों की लालसा में खेतों से दूर कर रहे हैं। हालत ये है कि आज आप बच्चों से उनके रोज के खाने पीने की चीजों के बारे में भी पूछिए तो ज्यादातर को उनके बारे में मालूम नहीं कि ये चीजें खेतों में उपजती हैं, इनकी प्रोसेसिंग होती है या ये किसी फैक्ट्री से आती हैं। जिस देश की 60% आबादी इसी खेती पर निर्भर हो, उस देश में खेती को लेकर इतनी उदासीनता चौंकाती है और भविष्य को लेकर कई तरह के संदेह खड़े करती है। आप कह सकते हैं कि इस दिशा में पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अगर इस बारे में अभी नहीं सोचेंगे तो आखिर कब सोचेंगे? लेकिन ऐसे दौर में बेंगलुरु में रहने वाले 17 साल के आर्य एक उम्मीद की किरण जगाते हैं। उनकी माँ अपने किचन गार्डन में बीज की बुआई, सिंचाई और खर पतवार निकालते समय अक्सर आर्य की मदद लेती थी। उन्हें हमेशा पढ़ाई लिखाई के साथ ये समझाने की कोशिश करती थी कि जीवन का मुख्य आधार आहार हमें कैसे मिलता है। इन कामों को करते करते आर्य ने ये जाना कि हर इंसान को हमेशा भोजन मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है खेती को और अधिक उत्पादक और क्वालिटी वाला बनाया जाए। इंजीनियरिंग के छात्र आर्य ने जब खेती की वर्तमान दुर्दशा के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की तो केमिकल फर्टिलाइजर के साथ ही पेस्टिसाइड से उपज की घटती क्वालिटी और खेतों को होने वाले नुकसान के बारे में जानकर हैरान रह गए, क्योंकि न सिर्फ पेट भरने के लिए अनाज जरूरी है बल्कि इंसानों के साथ साथ खेतों का भी स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है। इसलिए आर्य का रुझान जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर हुआ। आर्य अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के न सिर्फ अच्छे जानकार हैं, बल्कि उन्होंने इस दिशा में जागरूकता फैलाना भी शुरू कर दिया है। My mom would try and ask me to come and help around in the farm. मेरी माँ ने मुझसे पौधे लगाने में उनकी मदद करने को कहा और यहीं से मेरे अंदर इंटरेस्ट जगा। मुझे धीरे धीरे इन सब के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, फिर मैंने ये करना शुरू किया। मैंने धीरे धीरे इनमें ज्यादा से ज्यादा समय देना शुरू किया, अलग अलग सब्जियां उगाई। मेरी माँ और लोगों से मुझे हेल्प भी मिली और इसी तरह मेरा ध्यान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आकर्षित हुआ। जब आर्य ने ऑर्गेनिक खेती शुरू की तो उनके कई पड़ोसी और दोस्त उन्हें मदद करना चाहते थे, लेकिन ऑर्गेनिक खेती की जानकारी के अभाव में उनके पड़ोसी और दोस्त उनकी मदद नहीं कर सके। इससे आर्य को एहसास हुआ कि ऑर्गेनिक खेती के बारे में जागरूकता की काफी कमी है। इसके लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने 2014 में माई ऑर्गेनिक फार्म नाम से यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का फैसला किया, जिसमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी कई अहम जानकारियों के बारे में बताते हुए नजर आएंगे। आर्य के अनुसार आज के समय में खेती में किए जाने वाले बहुत से काम और विधियां बहुत ही दोषपूर्ण हैं।
जिनसे मिट्टी के उपजाऊपन के साथ साथ पर्यावरण के जैविक और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ केमिकल दवाओं और उर्वरकों के इस्तेमाल से उपजाए गए फल सब्जियों और अनाजों को खाने से लोग बीमारी के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। इससे ट्यूमर और कैंसर जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। I think it's very important that we start practicing organic farming because it's... मैं सोचता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ये वो कला है जिससे खेती में ज्यादा स्थिरता लाई जा सकती है। इसके अलावा सिंथेटिक फर्टिलाइजर मिट्टी की क्वालिटी खराब करती है। इससे उगाई गई सब्जियों को खाने से शरीर को कई तरह के नुकसान पहुंचते हैं, क्योंकि ये नेचुरल होता है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बेहतर है। इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। जब मैं छोटा था, मैं इनकी मदद से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता था। जब इनमें से कुछ उत्पादन मिला तो मुझे ये खाने में बहुत अच्छा लगा और मैं भी पौधे लगाने में और हार्वेस्टिंग में अपने भाई का साथ देने लगा। आर्य के YouTube चैनल को देखकर बहुत से लोगों को जैविक खेती के बारे में जानकारी मिली है। कई लोग प्रेरित होकर जैविक खेती करना चाह रहे थे, लेकिन इसके लिए जरूरी सामान नहीं मिलने की वजह से वो इस काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आर्य ने इसका भी हल खोज निकाला। इसके लिए उन्होंने ग्रोथ बेसिक किट बनाकर लोगों को उपलब्ध करवाया। इस किट में बैग, कोकोपिट, फल सब्जियों के बीज और नीम उर्वरक होता है। वो इसकी मामूली कीमत लेते हैं, जिसे लोग चुकाने को तैयार हैं, ताकि छोटे स्तर पर जैविक खेती के लिए जरूरी इनपुट को खरीदने के लिए उन्हें परेशान ना होना पड़े। आर्य न सिर्फ खुद इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि इतनी छोटी सी उम्र में दूसरे हजारों लाखों लोगों को जैविक खेती के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। खेती और खेत के प्रति बढ़ती उदासीनता के आज के इस दौर में आर्य की जैविक खेती को लेकर की गई ऐसी पहल नई संभावनाओं का उजाला है। लेकिन 125 अरब से भी ज्यादा की आबादी वाले हमारे देश में आर्य जैसे न जाने कितने युवाओं की और जरूरत है। कृषि दर्पण, जी मीडिया। आप चाहे खेती करते हो, पशुपालन, मुर्गी पालन या मछली पालन, वक्त के साथ तकनीक के साथ चलना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आपको मौसम का ख्याल रखना होगा। बदलते मौसम के साथ इन सब क्रियाओं में बदलाव जरूरी है। जैसे अभी तेज गर्मी का मौसम है, तो किसी भी जीव के पालन में आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा, तभी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अब जैसे गर्मी में मुर्गी पालन करने वालों के लिए जरूरी है कि तापमान की तेजी से मुर्गियों को बचाया जाए, क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ने से मुर्गियों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इससे मुर्गी पालकों को भारी वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो मुर्गियों को इन दुष्प्रभावों से बचाकर आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में आपको इन पोल्ट्री बर्ड्स का खास ध्यान रखना होता है। ज्यादा गर्मी पड़ने पर फैन की व्यवस्था करें। पोल्ट्री फार्म के अंदर पल रहे चूजों को बचाने के लिए छतों पर पुआल बिछाकर, साथ ही छतों पर फव्वारा चलाकर तापक्रम नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही लू से बचाने के लिए चारों तरफ टाट के बोरे लगाकर पानी का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास घने छायादार वृक्ष लगाएं। बाड़े में ज्यादा तादाद में मुर्गियां न रखें, इतनी ही मुर्गियां रखें जिससे वहां ज्यादा भीड़ न हो। आवास व्यवस्था में अधिक तापक्रम को रोकने के लिए हम लोग आज के आधुनिक युग में हम फॉगर या स्प्रिंकलर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई, और साथ में सेडनेट का भी प्रयोग करके हम अपने तापक्रम को कम कर सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हम एस्बेस्टस का शीट प्रयोग कर रहे हैं उनके छत पर हम चूने का, बाहरी दीवार पे भी हम चूने का पुताई कर ले, साथ में हम पुआल से भी उसको हम उसके छत पर रख करके तापक्रम कम कर सकते हैं। जो उनकी खिड़कियां
दरवाजे हैं उनके टाट के बोरों से हम उनको ढक दें, साथ में उन पे हम स्प्रिंकलर से नमी बनाए रखें जिससे कि तापक्रम को कम किया जा सके। मुर्गियों को आमतौर पर दिए जाने वाले आहार ही दें, बस गर्मियों में ध्यान रखें कि दाने को या तो गीला कर लें या जब मौसम ठंडा हो तो उन्हें खाने के लिए दाना दें। गीला दाना ठंडा होगा जिसका मुर्गियां ज्यादा सेवन करेंगी, लेकिन ध्यान रखें गीला किया दाना शाम तक खत्म हो जाए वरना उसमें बदबू आ सकती है। दाने की बोरी को भी कभी गीला ना करें। गर्मी के मौसम में उत्पन्न तनाव और हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए मल्टीविटामिन, विटामिन सी और लाइसिन की ज्यादा जरूरत होती है। दिन में हम इसको हम दाना ना दें तो जो हम उनके दाने देने की बर्तन उसको दिन में प्रायः सुबह जैसे हम 8 से 10 बजे के बाद हम उसको फीडरल को ऊपर कर दें, शाम को 4-5 बजे के बाद जब हमारा ऊर्जा जो उष्मा है उसकी तापक्रम जो है वो कम होने लगे तब इसको हम 5 से 6 के बीच में हम नीचे इसको कर दें, रात के समय प्रकाश की उपलब्धता कर दें और इसमें ठंडे वातावरण में ये ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर इसके दाने में भी हम नमी हल्की सी स्प्रिंकलर के द्वारा दे करके दाने को दे सकते हैं, लेकिन सावधानी ये रखें कि वो दाना जो भी दे तो उसी दिन खत्म हो जाए, नमी उसमें दाने में ना रहे कि जिससे फंगस वगैरह लग जाए। बॉयलर मुर्गा 1 किलो दाना खाने पर 2 से 3 लीटर पानी पीता है। गर्मियों में पानी का पीना दोगुना हो जाता है, इसलिए गर्मियों में पानी के बर्तनों की संख्या बढ़ा दें, क्योंकि तेज गर्मी में अगर मुर्गियों को 1 घंटे भी पानी ना मिले तो हीट स्ट्रोक से उनकी मृत्यु तक हो सकती है। पानी के बर्तनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही ये भी ध्यान रखें कि धातु के बर्तन में पानी जल्दी गर्म हो जाता है और आमतौर पर मुर्गियां गर्म पानी नहीं पीती, इसलिए अगर हो सके तो मिट्टी के बर्तन में ही पानी रखें। तापमान ऊपर जाने की स्थिति में मुर्गियों के पानी में इलेक्ट्रोल एनर्जी पाउडर मिला दें, इससे मुर्गियों को गर्मियों से निपटने में मदद मिलेगी। अगर आप इस भीषण गर्मी वाले मौसम में इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो गर्मी में भी मुर्गी पालन कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकेंगे। कृषि दर्पण, जी मीडिया। आम और लीची के फलों से भरे बागों में घूमते और फलों को देखते ये शख्स कोई सामान्य किसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कुशीनगर, जहाँ के गांव दुधही के ये प्रगतिशील किसान हैं मनोज सिंह। हम मनोज सिंह की कर्मठता और उनकी खेती की कहानी इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह का रिस्क लिया और उसमें सफल हुए ये कोई आम बात नहीं। कुशीनगर जिला गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और मनोज भी पहले गन्ने की ही खेती करते थे, लेकिन पेमेंट की दिक्कतों की वजह से इन्होंने गन्ने की जगह लीची और आम की बागवानी करना बेहतर समझा। आम और लीची के नए किस्मों की बागवानी की जिसमें वो काफी सफल रहे। नहीं, इस इलाके में तो मुजफ्फरपुर वाला एटमॉस्फियर है, जैसे मुजफ्फरपुर में जो लीची आती है बड़ी साइज की, वो स्मेल, वो टेस्ट, हर चीज वो सब यहाँ आ जाता है लीची में। लीची के उत्पादन में बिहार के मुजफ्फरपुर का खास स्थान है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और उत्तराखंड में उधमपुर जैसे जगह लीची के फलों के उत्पादन में अपना खास स्थान रखते हैं। वहाँ का मौसम, वहाँ की आबोहवा और मिट्टी इसके लिए मुफीद मानी जाती है। दूसरी जगहों पर लोग इनकी खेती का रिस्क लेना नहीं चाहते, लेकिन मनोज सिंह ने इस मिथक को तोड़ा। गन्ना में देखिए, गन्ना में ये है कि लागत बहुत है, पहली बात लागत ज्यादा है, उसके बाद उस हिसाब से प्रॉफिट कम है। दूसरी चीज है कि पेमेंट अभी जैसे 2-3 महीने का पेमेंट नहीं मिला है। लीची अभी टूटा और अगले साल का बिक के पेमेंट हमको मिल जाएगा, अगले साल का जो भी दाम लगेगा, उस जो भी रेट लगेगा उसका पेमेंट अभी मिल जाएगा। और गन्ना के क्या है, अब अगले दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में गन्ना गिरेगा, वो आपको मार्च, मई, जून में जाकर पेमेंट मिलेगा। एक पेमेंट का प्रॉब्लम है। मनोज सिंह अपने क्षेत्र के हिसाब से और दूसरे किसानों की तरह बड़े पैमाने पर
गन्ने की खेती करते थे, लेकिन पेमेंट की दिक्कतों के कारण अब वो कुछ नया करना चाहते थे। 10 साल पहले उनके दिमाग में लीची और आम की बागवानी का विचार आया। काम मुश्किल था क्योंकि अपने आसपास क्या पूरे एरिया में भले कोई अपनी खेती में शौकिया तौर पर लीची और आम को भी जगह देता हो, लेकिन बड़े स्तर पर इसकी बागवानी करने वाला कोई किसान नहीं था। इसकी तकनीक, बरती जाने वाली सावधानियां, रोपाई से लेकर सिंचाई, खाद प्रबंधन, तुड़ाई, संरक्षण और इसकी मार्केटिंग चेन के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने मन बना लिया था, जानकारी जुटाई, फिर उसके बाद अपने 25 एकड़ में लीची और 15 एकड़ में आम्रपाली आम की बागवानी कर डाली। 2 वैरायटी हमारे पास है, शाही और चाइना। होता तो बहुत सारा वैरायटी है, लोंगरा होता है, गुलाब सेंट होता है, रोज सेंट, लेकिन हमारे पास दो ही है अभी, शाही और चाइना। चाइना लेट वैरायटी है, शाही अर्ली है। शाही टेस्ट में मीठा होता है, उसमें एक अलग तरह का स्मेल होता है, और चाइना थोड़ा सा कम मीठा होता है। यही एक लेट में पकता है, उसमें बाजार में रेट अच्छा मिल जाता है। इस बार बाकी चारों तरफ आम का काफी नुकसान हुआ है। मंजर तो बहुत बढ़िया आया था पूरे देश में, लेकिन आम काफी झड़ गया। उस हिसाब से आम्रपाली हमारा नहीं झड़ा है, आम्रपाली बिल्कुल सही है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मनोज सिंह की लीची की 25 एकड़ की बागवानी में लगभग 1000 पौधे हैं और आम की 15 एकड़ की सघन बागवानी में लगभग 2200 पौधे हैं। लीची से एक सीजन में एक पौधे से लगभग 100 किलो की उपज मिल रही है, जो 70 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक जाती है, और इस तरह अभी उन्हें लीची की बागवानी से लगभग 60 से 70 हजार प्रति एकड़ बचत हो रही है। वहीं आम्रपाली आम से एक सीजन में एक पौधे से लगभग 30 किलो की उपज मिल रही है, जो 25 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है। इस तरह एक एकड़ आम की बागवानी से उनको 1 लाख मुनाफा होता जाता है। इसे आप उनके 45 एकड़ में फैले आम और लीची के बागवानी से मिलने वाले मुनाफे का अंदाजा लगा सकते हैं। कीड़े को रोकने के लिए शुरू से ही, जब फ्लावरिंग स्टेज है, फ्लावरिंग के जस्ट बाद, यानी जब सरसों बराबर दाना होने लगे, एक आध स्प्रे उस समय करना पड़ता है, और एक आध स्प्रे जिस समय पकने के थोड़ा पहले जब गुदा बनता है उस समय कर दिया जाता है तो नहीं कीड़े लगते हैं, नहीं तो कीड़े तो लग जाते हैं लीची में। मनोज सिंह प्रेरणा है उन किसानों के लिए जो अपनी खेती में लगातार घाटा सहकर भी कुछ नया करने की नहीं सोचते। मनोज सिंह प्रेरणा है उन किसानों के लिए जो अगर दूसरी फसलों में हाथ आजमाते भी हैं तो बस अपने आसपास की देखा देखी ही करते हैं। मनोज सिंह उन किसानों के लिए भी प्रेरणा है जो जल्दबाजी में मुनाफा चाहते हैं, जिनमें सब्र की कमी होती है। ऐसे तमाम लोग इस प्रगतिशील किसान से सीख ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप भी आम और लीची की बागवानी करना चाहते हैं तो इस जानकारी से लाभ जरूर उठा सकते हैं। कृषि दर्पण, जी मीडिया।